ताकि लोगों को सुविधा हो सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं रेलवे बजट ग्रांट्स 2022-23 पर का समर्थन करने के लिए और अपने मांग को रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, दानवे जी और दर्शना जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत किया, जिसमें महाराष्ट्र के लिए भी और मुंबई शहर के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन किए हैं। महाराष्ट्र के लिए कुल मिलकर 11,903 करोड़ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए दिए गए हैं, जिसमें से 35 नए लाइन्स होने वाले हैं, 6,142 किलोमीटर डबलिंग का प्रोजेक्ट का भी काम होने वाला है, जिसके लिए 91,137 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मैं मुंबई शहर के और से भी मंत्री महोदय जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिसमें 577.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था वेरियस प्रोजेक्ट के लिए की गई है। मुंबई शहर में पिछले दिनों में बहुत सारा काम हुआ है, रेलवे स्टेशन ब्यूटिफिकेशन के काम भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं और निश्चित ये पैसा आने के बाद में और गति आएगी। दो साल कोरोना के वजह से थोड़ा धीमा गति आया था, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये सारा इस साल में बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। मंत्री जी के ध्यान में एक खास बात मैं लाकर देना चाहूंगा। बजट में मेरा आज यहाँ पर भाषण करने के लिए खड़ा होने का मुख्य कारण भी यह है कि मुंबई शहर में हर साल 3,000 से भी ज्यादा लोग रेलवे में से गिरकर कटकर मर जाते हैं। अगर मैं भाषण मुंबई शहर के ओर से नहीं करूंगा तो ये मृत आत्माएं हम सबको माफ नहीं करेगी। इसलिए मंत्री महोदय जी, जो 2014 में विरार से चर्चगेट एलिवेटेड कॉरिडोर का एक प्रपोजल था, जिसको पिछले सरकार ने रद्द किया था, मैं पहले 2014 में चुनकर आने के बाद में सदानंद गौड़ा जी उन दिनों में मंत्री रेल मंत्री बने थे, उनके साथ में बातचीत करने के बाद में उन्होंने इसे पुनर्जीवित किया, लेकिन कोरोना के काल में धीमा गति हो गया। और दूसरा कारण यह भी था कि मुंबई शहर में मेट्रो का काम देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में बहुत तेजी से शुरू हुआ था, जो कुछ कारण से 2019 के चुनाव के बाद में जो पॉलिटिकल गतिविधियां हुई और उसके कारण से धीमा पड़ा है। नहीं तो ये बहुत तेजी से काम होकर 2019-20 में ये शुरू होने वाला था और ये हो नहीं पा रहा है। और इन दिनों में जितने भी रेलवे में गिरकर कटकर मर जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि तीन पार्टी के सरकार के लोगों ने इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बारे में भी आप ध्यान देकर ये चर्चगेट विरार एलिवेटेड कॉरिडोर का काम फिर से शुरू करिए तेजी से, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, मैं जब 2014 में एक और मांग किया था कि सब डोर क्लोजर लगाना चाहिए ताकि लोग गिर कर कट कर मरेंगे नहीं, तो उन दिनों में इसको थोड़ा स्लो गति में लिया गया था, लेकिन इन दिनों में शुरू हुआ कि एसी कोचेस बड़े पैमाने पे आ रहे और बहुत सारे एसी कोचेस एसी ट्रेन शुरू होने वाले और इन सारे ट्रेनों में डोर क्लोजर की व्यवस्था है। दूसरा एक एसी ट्रेन का जो फेयर का मामला है, बहुत दिनों से वो फाइल पड़ा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसके बारे में तुरंत निर्णय ले लें। फेयर अगर आप कम करते हो तो बड़े पैमाने पर लोग जाएंगे, एसी फर्स्ट क्लास में जाने वाले लोगों को भी यार इसमें जाने की अगर सुविधा देते हैं, बिटवीन एसी का फेयर और फर्स्ट क्लास के फेयर का बीच का अगर कोई आप लाते हो तो इसमें बड़े पैमाने पर हमको फायदा होगा और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर लोग इसमें जाएंगे। मंत्री महोदय जी, मैं एयरपोर्ट उतरेंगे बाद में मेट्रो में पहले आता था तो 100 रुपये टिकट था तो बहुत कम लोग उसमें मुझे दिखाई देते थे, लेकिन अभी 50 रुपये करने के बाद में बड़े पैमाने पे गाड़ी फुल पैक जा रहा है, तो मुंबई शहर में भी इसको आप देखिए कैसा कर सकते करके। मैं वैसे कर्नाटक का हूँ लेकिन मेरा बचपन पूरा मुंबई शहर में ही गया है, साल में एक आध बार जाता हूँ। मत्स्यगंधा ट्रेन जाती है कर्नाटक को मुंबई से, अब ये कुर्ला से जाती है। एक हमारा प्रपोजल है दीवा वसई से जाने का, 2 किलोमीटर का सिर्फ काम बाकी है और उसके लिए बजट प्रोविजन भी हुआ है। ये अगर हो जाता तो बड़े पैमाने पे अंधेरी बैंड्रा बोरीवली और वसई तक के लिए सारे लोगों को लाभ इसमें होगा। इसमें सिर्फ कर्नाटक के लोग जाते नहीं है तो महाराष्ट्र गोवा और केरल के लोग भी बड़े पैमाने पे इस ट्रेन से सफर करते हैं। दूसरी एक छोटी सी मांग मैं करूंगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, जहाँ पर कंजेशन लाइन है वहाँ पर स्टॉपेज की मैं बिल्कुल मांग नहीं करूंगा, लेकिन ये मत्स्यगंधा ट्रेन मैंगलोर जाकर रुक जाती है पूरा, फिर शाम तक वो वहीं रुकी रहती है, तो बीच के जो छोटे छोटे स्टेशन है अगर हो सकता है तो वहाँ पर गाड़ी रोकने का आप व्यवस्था करिए, क्योंकि छोटा स्टेशन है तो वहाँ पर छोटे लोग रहते हैं, सामान्य लोग रहते हैं, उनको बहुत लंबा जाकर फिर वापस टैक्सी या रिक्शा से आने के लिए और परेशानी होती है, तो एक छोटा सा काम अगर होता है तो बहुत बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। मुंबई के बारे में और एक बात ध्यान में लाना चाहूँगा, मेरे मित्र अरविंद सावंत जी ने जो छत्रपति सीएसटी स्टेशन पर
छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला लगाने का एक प्रपोजल बहुत दिनों से पेंडिंग है। मैं जब कॉर्पोरेशन में था तो हमारी पार्टी के एक नगर सेवक दिलीप पटेल, उन्होंने ये प्रपोजल किया था, डेप्यूटी मेयर थे उन दिनों में, तो ये प्रपोजल पूरा कॉर्पोरेशन ने ठहराव करके भेजा हुआ है, तो इसको आप जरा देखिए कैसा हो सकता है। नाना शंकर सेठ के बारे में बहुत दिनों से मुंबई सेंट्रल को नाम देने का लोग डिमांड कर रहे हैं। नाना शंकर सेठ ने रेलवे को उन दिनों में बहुत मदद किया था आर्थिक रूप से भी, और उनका बहुत बड़ा योगदान है मुंबई शहर के लिए, तो उनका अगर आप नाम मुंबई सेंट्रल को देते तो बड़े पैमाने पे जो हमारे मराठी भाषिक लोग हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। इसके बारे में आप देखे कैसा कर सकते हैं। मंत्री महोदय, एक छोटा विषय है, जो रेलवे में बूट पॉलिश करते हैं, वो बूट पॉलिश करने वाले लोगों का एक टेंडर निकाला गया, ऐसा बार बार लोग आकर शिकायत करते हैं। मैं मानता हूं कि टेंडर न निकालते हुए अगर जूना उनका लाइसेंस फी अगर कम है तो उसको लाइसेंस फी बढ़ाइए, लेकिन टेंडर के बगैर ही लोगों को काम मिले इस प्रकार की एक व्यवस्था करिए। रेलवे में पैसेंजर बहुत बड़े हैं और इसलिए हर स्टेशन पर और अधिक बूट पॉलिश वालों लोगों को अगर बिठाते हैं तो पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलेगा, इस बात की भी मैं यहाँ पर मांग करता हूँ। आई विल फिनिश विद इन टू मिनट्स। मंत्री महोदय, एक रेलवे लाइन के झोपड़पट्टी वासियों का बहुत बड़ा मसला, बहुत सालों से, मैं 18 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि दानवे जी इसके ऊपर काम में लगे हुए आपके आदेश से, और बड़े पैमाने पे लोगों को इससे राहत मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री जब सबको हक्का पक्का घर देने की बात करते हैं तो लाखों लोग सारे देश में रेलवे लाइन के बाजू में बसे, बरसों से बसे हैं, तो इस बारे में भी एक निर्णय आप जल्दी करेंगे तो मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको विशेष धन्यवाद रेल कवच के बारे में देना चाहूंगा। रेलवे कंसल्टेटिव मीटिंग में जब हम साथ में बैठे थे तो सभापति जी 4 घंटे लगभग मंत्री महोदय जी बैठ के सारे MPs के जितने भी मुद्दे थे उन सारे उन्होंने बहुत ही पेशेंटली सुना, और ये रेल कवच जो टेक्नोलॉजी लाई है हमने, इसका और एडवर्टाइज होना चाहिए, ये मैं मानता हूं, क्योंकि आने वाले 10 साल में गलती से भी एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा, इस प्रकार का ये टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने के बाद में उसी जो वर्तमान व्यवस्था में 25% और ज़्यादा हम सर्विस लोगों को दे पाएंगे, इतनी बड़ी इसमें ताकत है। मैं अपने देश के सारे इंजीनियर्स का यहाँ पर पार्लियामेंट के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि हमारे देश में ये पहली बार पूरे देश दुनिया में ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, जो आने वाले दिनों में जो विकसित देश के लोग हमारे पास से टेक्नोलॉजी मांगेंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम करने का अवसर हमारे सिस्टम के लोगों को दिया, इसलिए मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। और रेल मंत्री ने कहा कि मैं स्वयं इसका टेस्टिंग के लिए जाऊंगा, तो मैंने आपका वो देखा, आपने आप गए थे और वो प्रॉमिस करने के कुछ ही दिनों के बाद में आपने उसका ट्रायल लिया, इसलिए मैं फिर एक बार आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। बुलेट ट्रेन का काम बुलेट स्पीड से करिए, इस बात की मैं मांग करना चाहूंगा। विपक्ष से लोगों को कुछ भी कहते हैं कहने दीजिए, आप देखिए जब जिस दिन बुलेट ट्रेन शुरू होगा उस दिन सबसे पहला सफर करने वाले यही लोग होंगे, यही लोग सफर करेंगे उसमें, इसलिए बुलेट ट्रेन का काम आप बहुत बुलेट स्पीड में करिए। एक लास्ट पॉइंट बताकर अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। जब मैं विधानसभा में MLA के रूप में काम करता था तो हमारे जो स्टेशन है मुंबई शहर में उसको PPP मॉडल में काम करने के लिए FSI बढ़ाकर देकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हर रेलवे स्टेशन पर हो, इसका कायदा बनकर आज 5-7 साल हो गए। इस बात को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो रेलवे को 1 रुपया भी खर्चा ना करते हुए लोगों को सुविधा मिलेगी और बड़े पैमाने पर रेवेन्यू आएगा रेलवे के पास, इसलिए इस काम को भी आप आगे बढ़ाइए। इस प्रकार का मांग करते हुए मुझे इस विषय पर मंत्री सभापति जी ने भाषण करने का अवसर प्राप्त कर दिया, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। और मंत्री महोदय, तीनों मंत्रियों ने मेरे विषय को सुना, बाकी के सब साथ काम होते रहेंगे, लेकिन आपके बजट के भाषण उत्तर में रेलवे लाइन के बगल में सटे हुए झोपड़पट्टी वासियों को एक बहुत बढ़िया अगर रात आप दिलाते हो तो आजादी के अमृत महोत्सव के पहले उनको एक बहुत बड़ा न्याय मिलेगा, ऐसा भावना व्यक्त करते हुए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर्स BB पार्टी। थैंक यू।